Hi there, I welcome you all to your own channel, Chance Camp School. And today we are here in our day 6 of basic grammar series. Okay, तो हमने day 5 की वीडियो में देखा था और पढ़ा था parts of speech के बारे में कि there are total 8 parts of speech और हमने कुछ उसके बारे में सीखा भी था हर part of speech के बारे में. तो आज हमारी वीडियो जो है उसमें हम अब एक करके डिटेल में हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में. ऑलराइट, सो व्हाट इज अ नाउन? बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन इज एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट, फीलिंग और एन इमोशन इन अ सेंटेंस. आपके सेंटेंस में किसी भी चीज का नाम, चाहे वो पर्सन हो, वो प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, आइडिया हो, कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, कोई थॉट हो, वो सारी चीजों के जो नेम्स होते हैं दैट इज अ नाउन इन योर सेंटेंस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इसको हिंदी में ऐसे समझते हैं कि जिसको हम कोई नाम दे सके, जिसको हम कोई नाम दे सके बस वह ही नाउन होता है. ठीक है, तो अभी हम अपनी वीडियो में एक बार तो हम ये देखेंगे कि वो जो एग्जांपल्स होंगे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, इन सब चीजों के वो एग्जांपल देखने के बाद हम जल्दी से आएंगे टाइप्स ऑफ नाउन पे. तो जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो कई तरह के होते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स. उसकी जो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. ऑल्दो वो मेन नहीं होते हैं लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं. तो हम अपनी वीडियो के इस एंड के सेक्शन में देखेंगे कि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के जो रूल्स होते हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं. वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो टिप्स हैं, वो ट्रिक्स हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो विदाउट स्किपिंग कि किस चीज में हम क्या लगाते हैं, कैसे करके उसको यूज करते हैं. तो विदाउट एनी डिले बस हम जल्दी जल्दी अपना ये रिवाइज करके आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे. पहला है पर्सन. तो पर्सन में कोई भी चीज जैसे शी, ही, मैन, जैक, अमार, कनक, मदर, फादर, उमर एटसेट्रा, ये सारे नेम्स हैं, नेम ऑफ पर्सन्स हैं. ओके, बॉय, गर्ल, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर. ऐसे ही नेम ऑफ प्लेस में आ गए. तो प्लेस में पार्क, स्कूल, इंडिया, यूरोप, एशिया, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, एनीथिंग. नेम ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, किसी भी चीज का नेम जो प्लेस हो वो आ गया प्लेस की कैटेगरी में. नाउ कम्स थिंग्स. उसमें आ गया मोबाइल, बुक, चेयर, टेबल, यूटेंसिल्स, जार्स, बॉटल्स, बुक्स, पेंस, कॉपी, ऑल द थिंग्स जो हम छू सकते हैं वो हो गई चीजें. नेक्स्ट इज आइडिया. तो आइडिया में मैंने सब चीजें इंक्लूड करके लिखी हैं, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, मेमोरी या विजडम और एनी थॉट. तो ये सारी चीजें जो ऑनेस्टी है हमारी वो, और दीज ऑल थिंग्स आर आइडिया. एक आइडिया की कैटेगरी मैंने ऐसे करके बना दी है. नाउ इट्स एनिमल. तो एनिमल्स में कोई भी नेम ऑफ एनिमल जो आप अपने सेंटेंसेस में देखेंगे दैट इज the name of an animal and it's a noun. So now on my next board you will see the types of noun. Okay, main types of noun explain karungi with the list of that kind of noun and with some examples taki usse aur zyada acche se clear ho jaye. Let's see. Okay, chaliye types of noun mein sabse pehle padhte hain concrete noun ke liye. तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? ये वो नाउन होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो नेम ऑफ थिंग्स होते हैं जो हम टच कर सकते हैं. ओके, तो कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट मेक सेंसिबल ऑब्जर्वेंस. इसको हम सेंसिबली ऑब्जर्व कर सकते हैं, छू सकते हैं एंड ऑपरेट्स एज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वो, कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, एनी थिंग और अ पर्टिकुलर थिंग. कोई भी चीज या कोई ऐसी चीज जो हम छू सकते हैं वो होता है कॉन्क्रीट नाउन.
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच. ये इजी वर्ड्स है इसको समझने के लिए. एनी फिजिकल थिंग दैट यू कैन टच इज अ कॉन्क्रीट नाउन. फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, कार, वॉल, काउ, शूज, क्लोथ्स एटसेट्रा. तो ये सारे ही वर्ड्स जो हैं ये दिखाते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. दीज आर माई क्लोथ्स. ये मेरे कपड़े हैं. दीज आर माई क्लोथ्स. तो ये जो क्लोथ्स वर्ड है इसमें ये हुआ हमारा कॉन्क्रीट नाउन. ऑल राइट, क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं, ये क्लोथ्स हैं. नेक्स्ट इज गौरी इज सिटिंग ऑन द चेयर. यहाँ पर गौरी भी कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि वो एक पर्सन है जिसे हम टच कर सकते हैं. गौरी एंड दिस वर्ड चेयर, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आई लव टू ईट केक्स. मुझे केक खाना बहुत पसंद है. तो इसमें केक्स जो है, ये वर्ड जो है केक, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं, दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं वो नाउन जो हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोस नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स. आई होप राइट नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ काइंड ऑफ नाउन दैट यू आर गोइंग टू लर्न दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब ही वर्ड आया करे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बस अपने माइंड में ले आया करिए. वर्ड फीलिंग, इमोशन, आइडिया, एनीथिंग, ये कोई थॉट, ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम छू नहीं सकते, ऑलराइट, वो चीज जो हम टच नहीं कर सकते, देख के टच नहीं कर सकते, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट. आइए देखते हैं इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड और परसीव्ड बाय आवर बॉडी पार्ट. किसी बॉडी पार्ट से, यानी कि हाथ से, पैर से, किसी भी चीज से, किसी भी बॉडी पार्ट से हम जिस चीज को टच नहीं कर सकते, वो वर्ड, वो चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ओके, इसको इजी लैंग्वेज में देखते हैं. थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग या आइडिया. कोई भी फीलिंग या कोई आइडिया है तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स सी उसकी कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. एबिलिटी, किसी की काबिलियत. चैरिटी जो आप करते हैं. मर्सी, किसी के ऊपर दया करना. फियर, किसी का डर. ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी. काइंडनेस, विजडम. ऑल दीज आर वर्ड्स दैट शोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. द पार्टनर लॉस्ट फेथ इन हिज ऑफिस स्टाफ. कोई पार्टनर है बिजनेस का, उसको अपने ऑफिस के स्टाफ में अब बिल्कुल फेथ नहीं रहा. फेथ यानी कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा. तो फेथ यहाँ पर जो वर्ड है ये बता रहा है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप फील कर सकते हैं. आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो एक फीलिंग होती है आपके अंदर. ओके, दैट इज नॉट समथिंग विच यू कैन टच. इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट टच एंड यू कैन ओनली फील इट. वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं. ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सारी चीजें. इसी तरह से फेथ जो है वर्ड, वो आप फील कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ही इज टेलिंग द ट्रूथ. वो सच बोल रहा है, ठीक है. वो सच बोल रहा है तो उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, हम वो सच छू नहीं सकते. आई एम अवेयर ऑफ योर एंगर बट यू हैव टू ओवरकम इट. मुझे पता है कि आप कितना गुस्सा आता है. आई एम अवेयर ऑफ योर एंगर. अब ये अवेयर जो वर्ड है, अवेयर भी एक फीलिंग है, ठीक है. अवेयर भी एक ऐसी फीलिंग है जो आप सिर्फ फील कर सकते हैं. मुझे पता है, आई नो दिस. तो आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं क्योंकि ये एक फीलिंग है, आप उसको छू नहीं सकते. आई एम अवेयर ऑफ योर एंगर. मुझे आपके गुस्से के बारे में सारा कुछ पता है. बट यू हैव टू ओवरकम इट. लेकिन आपको उसके ऊपर अपना ओवरकम करना है, उस चीज से, उस गुस्से को खत्म करना है.
फिलहाल हम में से किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आप में से किसी को गुस्सा आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है एंड आई नो दैट आई हैव टू ओवरकम इट, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। आई एम अवेयर ऑफ योर एंगर बट यू हैव टू ओवरकम इट। ओके, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको भी गुस्सा आता है। चलिए फिलहाल के लिए हम बता देते हैं कि अवेयर और एंगर, ये जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ये दोनों वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज हैव मर्सी अपॉन द डेस्टिट्यूट्स, यानी कि डेस्टिट्यूट्स वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं, तो प्लीज हैव मर्सी अपॉन देम, प्लीज हैव मर्सी अपॉन द डेस्टिट्यूट्स, गरीब लोगों पर दया करनी चाहिए। तो दया जो है वर्ड मर्सी, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि ये एक फीलिंग होती है, एक इमोशन, एक आइडिया जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन टुडे। ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स। ओके, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन में, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग, एज द नेम सजेस्ट, कलेक्टिवली जब हम एक वर्ड किसी चीज को दे देते हैं, बहुत सारे किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स या पीपल या प्लेस या किसी भी बहुत सारी चीज किसी ग्रुप को जब हम नेम दे देते हैं तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जल्दी से। इट इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट एक्सप्रेसेस अ नेम फॉर अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पीपल, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ नाउन होता है जो एक्सप्रेस करता है अ नेम, कोई नेम एक्सप्रेस करता है फॉर अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पीपल, बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को जब हम कोई नाम देते हैं तो वो होता है। जैसे हम बहुत सारे पुलिसमैन खड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे, बहुत सारे सेलर्स खड़े हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, जो फ्लाइट में हम लोगों को सर्व करते हैं चीजें उन्हें क्या कहेंगे, इसी तरह से बहुत तरह के हैं। और आप, मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, मैंने कुछ शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं कलेक्टिव नाउन्स के लिए, फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो भी कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सारे ही वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर इट। क्लास, अब क्लास है, क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो मैम ये नहीं कहती कि एक एक बच्चे का नाम नहीं बोलती है टीचर, क्या बोलती है कि क्लास ओपन योर बुक। ओके, क्लास ओपन योर बुक्स। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि पूरी क्लास को बुक खोलती है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जूरी, जूरी वो लोग जो जज कर रहे होते हैं, तो उसमें देयर आर अ कपल ऑफ पीपल सिटिंग फॉर द जजमेंट, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जूरी होती है, ऐसे ही फ्लॉक होता है, बर्ड्स का भी होता है, कैटलॉग होती है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक सी ही चीज के बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उसे कैटलॉग बोलते हैं। कॉलोनी ऑफ, कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है, कॉलोनी हम उसके लिए भी बोलते हैं और कॉलोनी हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, कॉलोनी हम एनिमल्स के लिए भी कलेक्टिव नाउन्स में यूज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स है जिनके लिए हम कॉलोनी वर्ड यूज करते हैं। ऐसे हर्ड है, हर्ड भी हम एनिमल्स के कलेक्शन के लिए बोलते हैं, कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए। क्रू, कुछ लोगों के कलेक्शन के लिए क्रू बोलते हैं। ऐसे ही लिटर भी एक एनिमल, कुछ एनिमल्स के कलेक्शन के लिए बोलते हैं। ऐसे ही ब्रूड भी हेंस के कलेक्शन के लिए बोलते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर, तो देखते हैं। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी कि बेबी ऑफ गर्ल्स से आप समझ रहे होंगे वो झुंड जहां पर बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हो, वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स उसको कहते हैं बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो पेड़ के नीचे खड़ी है।
A flock of birds is seen in the sky. Birds, जब बहुत सारी birds उड़ रही होती हैं, आपने देखा होगा sky में, तो उनको कहते हैं a flock of birds, okay? और हम यूज करते हैं इनके पीछे a, क्योंकि हम ये एक ग्रुप के लिए लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर a लगाएंगे. A bunch of grapes is kept on the table. इसी तरह से बहुत सारे collective nouns हैं. मैं पक्का आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी. मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली ये नाउन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाने वाली हूँ और बहुत जल्दी बनाऊंगी. उसमें मैं सारे आपको बताऊंगी कि सारे ही जितने भी मैं बता सकती हूँ कलेक्टिव नाउन सब आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से. तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा अभी कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. वो नेम जो हम कलेक्टिवली किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देते हैं, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन. नाउ दिस इज ओवर एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इन आवर कैटेगरी इज कंपाउंड नाउन्स. तो कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जब वो नाउन जो हम दो वर्ड्स को मिलाकर एक अलग वर्ड बनाते हैं, यानी कि वो जो दो वर्ड्स होते हैं उन दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं और जब हम उन्हें जोड़ देते हैं तब एक नया वर्ड बन जाता है, दैट इज अ कंपाउंड नाउन. चलिए देखते हैं उसको एक टेक्निकल डेफिनेशन में. पहले, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इंक्लूड्स टू और मोर देन टू वर्ड्स बाय मिक्सिंग देम इन अ सिंगल नाउन. ठीक है, एक सिंगल नाउन बनाने के लिए हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जब मिक्स कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड नाउन्स. एक इजी डेफिनेशन है उसकी, अ नाउन मेड विद टू और मोर वर्ड्स इज अ कंपाउंड नाउन्स. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जब हम एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं. चलिए देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं. अच्छा, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में भी इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मुझे बनानी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है. इसमें कंपाउंड नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम जोड़कर तो लिखते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में कोई हाइफन नहीं होता. ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड नाउन्स जिनके बीच में हमें हाइफन लगाना होता है. कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्पेस देना कंपल्सरी होता है. तो वो भी तीन कैटेगरीज है, ऑल्दो मुझे यही समझानी चाहिए थी बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यहीं पर आपको समझा रही हूँ. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स उसके लिए कि कंपाउंड नाउन्स एक्चुअली होते क्या हैं. पहले, पासवर्ड. सो पासवर्ड इज अ वर्ड, इसमें पास एक अलग वर्ड है, वर्ड एक अलग वर्ड है और हम इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये एक अलग वर्ड बन जाएगा पासवर्ड. इसी तरह से वर्ड्स है हमारे पास, कबर्ड एक वर्ड है, सी शेल, फुटबॉल, काउबॉय, कोस्टलाइन, चॉपस्टिक्स, बेडरूम. ठीक है, और भी कई वर्ड्स हैं लेकिन वो मैं आपको बाकी की वीडियोस में जरूर होपफुली बताऊंगी. फिलहाल देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सेंटेंसेस के फॉर्म में. आई फाउंड अ सी शेल नियर द कोस्टलाइन. अब इसमें हमारे दो कंपाउंड वर्ड्स आ गए, सी शेल एंड कोस्टलाइन. ठीक है, सी अलग वर्ड है, शेल अलग वर्ड है, कंपाउंड कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया तो ये सी शेल बन गया. इसी तरह से कोस्ट अलग है, लाइन अलग है, उसको ज्वाइन कर दिया, कोस्ट लाइन बन गया. नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्ड फॉर द नोटबुक्स. अब नोटबुक्स ये एक अलग अलग वर्ड है, उनको ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया नोटबुक्स, एक वर्ड बन गया. इसी तरह से ही लुक्स लाइक अ काउबॉय फ्रॉम हिज आउटफिट. तो ये जो है वर्ड काउबॉय, बेसिकली देखा जाए तो आउटफिट भी एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि आउट इज अ डिफरेंट वर्ड, फिट इज अ डिफरेंट वर्ड, मिला दिया तो ये एक अलग वर्ड बन गया है. तो ये काउ बॉय सिमिलरली इज अ कंपाउंड नाउन, काउ अलग बॉय अलग, जोड़ दिया उन्हें तो काउ बॉय बन गया. अनदर एग्जाम्पल, ही फॉरगॉट हिज पासवर्ड, वो अपना पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड इज ऑल्सो अ कंपाउंड नाउन. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो में आगे विद फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन. ऑलराइट, नाउ फिफ्थ इन द कैटेगरी इज कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो हम कॉमनली किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल,
बहुत सारी कंट्रीज को जब हम अलग अलग कंट्री बोलेंगे, जैसे इंडिया बोल दिया, पाकिस्तान बोल दिया, बांग्लादेश बोल दिया, नेपाल बोल दिया, श्रीलंका बोल दिया, अलग 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 कंट्रीज हैं, इनको हम एक एक को नेम ना लेकर कॉमनली बोल रहे हैं कंट्री। इसी तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमने कोई प्रॉपर कॉन्टिनेंट का नेम नहीं लिया। तो कॉन्टिनेंट वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन है। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसका एक छोटा सा टेक्निकल डेफिनेशन। द टर्म कॉमन नाउन इज एन इनडेफिनेट नेम, वो एक इनडेफिनेट नेम है, वो कोई प्रॉपर नेम नहीं है। दैट इज एन इनडेफिनेट नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह का नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान का, किसी थिंग का, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी आइडिया का, कोई भी कॉमन नेम जो किसी जो एक इनडेफिनेट वर्ड हो, जो कोई प्रॉपर चीज या प्रॉपर उसका नेम ना बताती हो, विच इज कॉमनली यूज्ड इन प्लेस ऑफ द प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर सके, वो वर्ड होता है कॉमन नाउन। ओके, तो इसके लिए हम कुछ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स मैं लेकर आई हूँ, वो है कंट्री, मैंने आपको बताया ही था। ऐसे ही बॉय, सारे लड़कों को हम बॉयज बोलते हैं, ठीक है। कोई एक किसी एक बॉय का नेम जब हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं अम्मार, तो दैट इज अ नेम ऑफ अ बॉय, लेकिन अभी हमने कहा बॉय, तो बॉय मीन सारे लड़के। ऐसे ही गर्ल, गर्ल भी लड़कियों के लिए यूज करेंगे, बट किसी पर्टिकुलर नेम को हमने नहीं लिया यहाँ। ऐसे ही डे, डे बहुत सारे डेज होते हैं, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, बट डेज हमने उनको एक कॉमन नेम दे रखा है। ऐसे ही कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट। ऐसे ही कोर्स, कोर्स बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर उसको, वो कोर्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सेशन होते हैं, तो इसलिए हम उन सारे सेशन को एक कॉमन बोल दिया है कोर्स, ठीक है। अब आ गया कलर्स, तो कलर्स बहुत सारे कलर्स हैं, कोई पर्टिकुलर नेम हम यहाँ नहीं बता रहे। नेक्स्ट इज एनी एरिया, कोई भी एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। ऐसे ही है ब्लड, ब्लड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ए बी, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड सो ऑन। ऐसे ही एनिमल्स हो गए, कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहे हैं। ऐसे हो गया फर्नीचर, जो भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे चेयर, टेबल, बेड, सोफा, वॉट एवर, तो वो सारी चीजें फर्नीचर्स की कैटेगरी में आती है, तो ये हो गया उसका कॉमन नेम। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, अब भाई गेम खेल रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, स्विंग्स पे खेल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, हम बोल रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, तो गेम्स हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज जॉन, जॉन इज अ वंडरफुल प्लेयर, जॉन एक वंडरफुल प्लेयर है, और वो किस चीज का प्लेयर है ये हमें किसी ने नहीं बताया, कि वो हॉकी खेलता है या वो एक टेनिस प्लेयर है, ये किसी ने नहीं बताया, बस हमारी जॉन की बात हो रही है, इसमें प्लेयर क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज ही इज एन एक्टर, अब भाई ही इज एन एक्टर, अब वो कैसा एक्टर है भाई, छोटी छोटी फिल्म्स बनाता है या बहुत बड़ा एक्टर है, मूवीज में फिल्म्स बनाता है, रील्स बनाता है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, उसका एक्टर है, कैसा एक्टर है ये किसी को नहीं पता, है वो एक्टर, किस चीज की एक्टिंग करता है, क्या एक्टर है, तो एक्टर क्या वर्ड है, इट्स अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अब कंट्री कौन सी कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सिर्फ कंट्री, कंट्री मीन्स एनी कंट्री, ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव नो मेंशन दैट व्हिच कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, सो दिस इज कॉमन नाउन, वो वर्ड्स जो एक इनडेफिनेट नेम होते हैं किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट और आइडिया के लिए जो हम यूज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अ कॉमन नाउन, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन। राइट नाउ, अब हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हमने लिख रखा है 6 टाइप ऑफ नाउन, जो कि है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमें नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो हम किसी पर्टिकुलर
चीज के लिए यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन का नेम, वो है प्रॉपर नाउन. फर्नीचर है, बहुत सारी सारे फर्नीचर हैं, लेकिन उसमें से पर्टिकुलरली हम चेयर की बात करें, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के बारे में. ऑलराइट, सो इंडिया विल बी अ प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस. ऑलराइट, अब दे दिया मैंने आपको छोटा सा हिंट, लेट्स सी कि उसकी डेफिनेशन क्या है. प्रॉपर नाउन इज अ नाउन, वो नाउन that determines the particular person, जो किसी particular person को determine करे, बताए, समझे या point out करे, place को point out करे, किसी thing के बारे में, किसी object का नाम, किसी particular organization या कोई particular idea, वो होता है proper noun. That is shown or written in a sentence. अगर आपके sentence में कोई particular person, place, thing, object, organization या किसी idea के बारे में कोई चीज, कोई word है, तो वो है particular proper noun. Okay? एक चीज जो उसको हमेशा हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी proper noun हमेशा capital letters में लिखा जाता है. कोई भी particular, कोई नेम ऑफ पर्सन है तो वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कंट्री है तो वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल का नेम है, किसी इंस्टीट्यूट का नेम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में. ओके, कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे हम वो वर्ड. ये एक छोटा सा रूल है जो आपको समझना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर नाउन के वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन. सबसे पहले लिखा है मैंने अगस्त. अगस्त इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मंथ है. अगर हम कहेंगे मंथ तो मंथ हो गया कॉमन नाउन, और हम कहेंगे अगस्त तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ है. इसी तरह से हमने कहा संडे, तो संडे इज अ प्रॉपर नाउन. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक है. जैक, मेरा फेवरेट नेम ऑफ पर्सन ही जैक है. आपने नोट किया होगा कि कहीं पर भी नेम ऑफ पर्सन लिखना होता है तो मैं जैक जरूर लिखती हूँ. आपका पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन जो आपको बहुत पसंद है, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लिखिएगा अपना पर्टिकुलर पर्सन का नेम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो. वो कोई भी हो सकता है, कोई आपका अपना या कोई अननोन, जो आपका नेम बहुत पसंद हो. ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ जैक. दूसरा जो दूसरा मैंने लिखा है वो है फरारी. ये एक नेम ऑफ पर्टिकुलर कार है. अमेरिका, नेम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. ब्लैक, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कलर. एंड हिमालयस, ओके, बहुत सारे माउंटेन्स है लेकिन हिमालयस उसमें एक पर्टिकुलर माउंटेन. Now, examples उसके कुछ examples देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. Jack is a good boy. ठीक है, Jack, देखिए मैंने फिर repeat किया है. Jack is a good boy. Jack एक अच्छा लड़का है. Next is Smita is my best friend. Yes, Smita is my best friend. तो मैंने यहाँ लिखा है Smita is my best friend. इसमें Smita जो है वो है एक proper noun. आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, प्लीज जरूर लिखिए. एंड आई पिन यू. किड्स लाइक डेरी मिल्क चॉकलेट वेरी मच. ठीक है, किड्स लाइक चॉकलेट वेरी मच, लेकिन पर्टिकुलरली डेरी मिल्क चॉकलेट वेरी मच. ठीक है, तो किड्स को डेरी मिल्क चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होती है. ये मैंने अपने सेंटेंस में लिखा है, तो डेरी मिल्क जो है ये है प्रॉपर नाउन. Next is I was born in December. So December, yes, I'm born in December. तो आप भी मुझे लिखकर बताइए कि आप कौन से मंथ में बॉर्न हुए थे. Next is December, क्योंकि ये एक नेम है एक पर्टिकुलर मंथ का. Mount Everest is the highest mountain in the world. बहुत सारे माउंटेन हैं, लेकिन Mount Everest जो है that is the highest mountain in the world. Alright. तो ये है कुछ वर्ड्स जिनसे हमें पता चलेगा हमारे सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर.
एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, नंबर 7 पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काउंटेबल नाउन्स. तो काउंटेबल एज द नेम सजेस्ट, वो जो जितनी चीजें हम काउंट कर सकते हैं, जो कुछ भी काउंटेबल है दैट इज अ काउंटेबल नाउन. जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स. द काउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन ऑफ अ थिंग और सब्सटेंस दैट कैन बी काउंटेड. जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, किसी चीज को जब हम काउंट कर सकते हैं वो जो नाउन बनता है वो होता है काउंटेबल नाउन. बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन जितना हम डेप्थ में जाएंगे इसके उतना हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पड़ेगा. ठीक है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको सब समझाऊंगी और बहुत क्लियर कर दूंगी इजीली आपके लिए. जल्दी से देखते हैं पहले लिस्ट ऑफ सम काउंटेबल नाउन्स. पेन, सबसे पहला काउंटेबल नाउन है पेन, जो हम काउंट कर सकते हैं. एप्पल, वी कैन काउंट देम. ट्री, वी कैन काउंट द ट्रीज. चेयर, हम चेयर को काउंट कर सकते हैं. एग, मोबाइल. कंट्री को काउंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेट काउंट कर सकते हैं. हाउसेस को काउंट कर सकते हैं. स्पून को काउंट कर सकते हैं. टेबल काउंट कर सकते हैं. कार काउंट कर सकते हैं. बुक काउंट कर सकते हैं. मोबाइल काउंट कर सकते हैं. आपने सोचा होगा कि मैंने ये 3 क्यों छोड़े. काउंट कॉइन्स, आवर्स एंड मिनट्स. तो कॉइन्स जो हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं. कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मनी हमारा काउंटेबल नाउन है या नहीं है, कॉइन काउंटेबल नाउन है या नहीं है. तो हम मनी को अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन कॉइन्स जो हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स. ऐसे ही एक वर्ड है टाइम, समय, यानी कि टाइम, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. बट यस, वी कैन काउंट आवर्स एंड मिनट्स. ओके, मैंने इन 3 चीजों को आपको बताया है कि कॉइन्स जो है वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. अगर कोई कहता है मनी तो दैट इज रॉन्ग. मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन. इसी तरह से टाइम जो है, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आवर्स, मिनट्स, घंटे, सेकेंड्स, मिनट्स, इन सब चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. इसलिए आवर्स, मिनट्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जिससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. वो एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला है. कौन सा बिजनेस? ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट. वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाला है. तो वी कैन काउंट रेस्टोरेंट को, हम काउंट कर सकते हैं. तो सिंपली दिस इज अ काउंटेबल नाउन. आई हैव इश्यूड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. मैंने लाइब्रेरी से एक बुक इशू करी है. क्योंकि यहाँ लिखा है ए, दैट मीन्स कि ये एक बुक की बात हो रही है. वन बुक, वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल बुक. और मैंने वो बुक इशू करी. तो बुक क्या हो गया यहाँ पर? काउंटेबल नाउन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, वी हैव टू कार्स. हमारे पास 2 कार्स हैं. तो कार्स हैं, 2 कार्स हैं, इसलिए हम उसे काउंट कर सकते हैं. तो वो बन गया काउंटेबल नाउन. शी गिफ्टेड मी अ पेन ऑन माय बर्थडे. उसने मुझे मेरी बर्थडे पर एक पेन गिफ्ट किया. अ पेन मीन्स एक पेन गिफ्ट किया. तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स अभी नहीं करेंगे. मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में एक ब्रीफ डिफरेंस जो है वो बताऊंगी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस सब कुछ बताऊंगी और कुछ टिप्स भी बताऊंगी. अभी फिलहाल ये समझिए कि काउंटेबल नाउन्स ये होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, अब पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट नाउन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द अनकाउंटेबल नाउन. एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन ऑफ थिंग और सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस या थिंग के लिए ही होता है ये नाउन. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो नाउन जो किसी थिंग या सब्सटेंस के लिए है, दैट कैनॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते.
ठीक है, यहाँ पर हम अगर पर्सन प्लेस लिख देते तो वो गलत हो जाता क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है नेम ऑफ थिंग और सब्सटेंस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सब्सटेंस, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लिस्ट देखते हैं फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर वॉटर, वॉटर को हम काउंट नहीं कर सकते, वन वॉटर टू वॉटर नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह से मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते, परफ्यूम है परफ्यूम को भी हम काउंट नहीं कर सकते, वेदर, वेदर को हम उसकी क्वालिटी बता सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते। लाइकवाइज वी हैव लाइफ, लाइफ को भी हम काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ इयर्स काउंट कर सकते हैं लेकिन लाइफ को काउंट नहीं कर सकते, म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ सॉन्ग्स को काउंट कर सकते हैं, म्यूजिक काउंट नहीं हो सकता। पेट्रोल की आप क्वांटिटी बता सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, वन पेट्रोल टू पेट्रोल नॉट लाइक दिस। नेक्स्ट इज वर्क, इसको भी हम नहीं काउंट कर सकते। रेन, टाइम, मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन्स जब हम पढ़ रहे थे कि हम आवर्स काउंट कर सकते हैं, मिनट्स काउंट कर सकते हैं, सेकंड्स को काउंट कर सकते हैं लेकिन हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते। तो टाइम जब वर्ड आता है सेंटेंस में तो हमें पता चल जाता है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज मनी, मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, कॉइन्स को काउंट किया जा सकता है, नोट्स को काउंट किया जा सकता है लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मनी को जब सेंटेंस में हम देखेंगे तो हम एकदम से पहचानेंगे कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। लिसनिंग टू म्यूजिक रिलैक्सेस मी, तो यहाँ जो वर्ड है म्यूजिक, तो इस वर्ड को हम काउंट कर ही नहीं सकते अपने सेंटेंस में, तो ये वर्ड में जो म्यूजिक वर्ड आया है ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। एड सम मोर शुगर टू अ कप ऑफ टी, कप में थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दो, ठीक है, इस चाय के कप में थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दो, थोड़ी सी, हम इसको ये नहीं कह सकते कि वन शुगर ऐड कर दो, टू शुगर ऐड कर दो। वर्क इज वर्शिप अंटिल वी डू इट, दिस इज अ सेइंग, एंड वर्क जो है यहाँ पर वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। आई फाइंड कम्फर्ट इन हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, कम्फर्ट जो है, कम्फर्ट, तो कम्फर्ट जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, कम्फर्ट को हम गिन नहीं सकते, इतना कम्फर्ट मिला, वन कम्फर्ट मिला ऐसे करके। इसी तरह से मैंने लिखा है गर्ल्स लव शॉपिंग, गर्ल्स को शॉपिंग बहुत पसंद, शॉपिंग, तो शॉपिंग यहाँ हो गया एक अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम अपने वीडियो के उस सेक्शन में आ गए हैं, एंड के सेक्शन में आ गए हैं, जहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है, ओके। तो बिना देर करते हुए प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। अब हम बताएंगे, मतलब सीखेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंस क्या है और कहां पर हमें क्या यूज करना होता है, ठीक है। तो क्विक क्विक देखेंगे, वी कैन पुट, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में वो ये है कि वी कैन पुट एनी नंबर, एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, या हम अपने वर्ड्स के पीछे ए और एन लगा सकते हैं, ठीक है। एक है कोई चीज, उसके लिए ए या एन यूज कर सकते हैं, या हम उसके प्लूरल्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज आई हमारी, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वन बुक, टू कप्स, या हमने कहा अ बुक, अ ग्लास, यानी कि एक बुक एक ग्लास, एप्पल्स, ठीक है, हमने प्लूरल बना दिया यहाँ पर एप्पल्स का। ऐसे ही और बहुत सारे प्लूरल्स हम बना सकते हैं, कप्स, ग्लासेस, चेयर्स, मोबाइल्स, ठीक है, इस तरह से। एग्जांपल देखते हैं, आई हैव 4 पेट्स, आई हैव 10 बुक्स, आई हैव एन एप्पल, डू यू हैव अ बॉक्स, डू यू हैव एन एप्पल, इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वी कैन नॉट पुट एनी नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
हम कोई नंबर नहीं लगा सकते किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कोई ए एन का यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट से गिव मी अ मिल, गिव मी एन, ओके एन वाटर, कहीं पर भी हम यूज नहीं कर सकते, ए या एन का यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हम प्लूरल्स भी नहीं बना सकते। ये मैंने क्रॉस लगाया है इसलिए कि हम ये वाले पॉइंट को यहाँ यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन में, दिस इज नॉट यूज। आ शुगर नहीं कह सकते, आ वाटर यू कैन नॉट यूज, आ वन मिल्क यू कैन नॉट से। ठीक है, सिंपल है, इजी है, बट ये चीज हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैव यू गॉट अ वाटर, हम ऐसा नहीं कह सकते हैव यू गॉट अ वाटर, दिस इज रॉन्ग। हैव यू गॉट अ सॉल्ट, नो वी कैन नॉट से। इंस्टेड जब हमें कहना है हमें पानी का ग्लास चाहिए, ओके गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम ग्लास के पीछे आ लगा सकते हैं, पानी को काउंट नहीं कर रहे हैं, ग्लास ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं, कितने ग्लासेस ऑफ वाटर थे, तो हम अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ मिल्क है। डू यू हैव अ पैकेट ऑफ शुगर, क्या तुम्हारे पास एक पैकेट शुगर है। डू यू हैव सम वाटर, ठीक है इसमें हम कहेंगे आपके पास कुछ पानी है, क्या आपके पास थोड़ा पानी है। तो जब हमें ऐसे बोलना होगा तो हम बोलेंगे डू यू हैव सम वाटर, इसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो यहाँ पर है वो है क्वांटिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स में तो हम वर्ड यूज करते हैं मैनी, हम कहते हैं मैनी। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी एप्पल्स आर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर कितने एप्पल्स रखे हैं। हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम मैनी लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम मैनी लगाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन्स, और जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं तब लगाते हैं हम वर्ड मच। ठीक है, हम वर्ड लगाते हैं मच, ये हमें याद रखना है। उसका सेंटेंस है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द पॉट, पॉट में कितना मिल्क है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बॉटल, बॉटल में कितना मिल्क है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मच इसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, क्योंकि ये एक लिक्विड है इसको हम वो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे मच। सिमिलरली हाउ मच मनी डू यू हैव, मनी देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल इसीलिए बनाया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए भी हम मच कहेंगे। कई लोग को मैंने देखा है ये रॉन्ग बोलते हुए कि हाउ मेनी मनी, वो सोचते हैं कि मनी तो आप काउंट कर सकते हैं तो वो मैनी लगा देते हैं उसके पीछे, बट दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हम मच लगाते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना थर्ड डिस्टिंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज जब हम बात करते हैं कुछ और थोड़ा के बारे में, तो कुछ और थोड़ा ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हम सभी चीजों में यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। लेकिन जब काउंटेबल में हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं सम, और यही चीज समझनी है कि अनकाउंटेबल में भी हम कहते हैं सम। तो सम एक ऐसा वर्ड है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही यूज होता है, ये वर्ड कुछ के लिए। जब हमें कुछ के बारे में बताना होता है तो दोनों में, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी, सम जो वर्ड है वो दोनों में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन बोथ द नाउन्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले देर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, यानी हम कह सकते हैं कि देर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल। जब हम काउंट नहीं करना चाहते या हम कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, कितनी देर लगेगी काउंट करने में, हम कह सकते हैं यस देर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल। इसी तरह से जब अनकाउंटेबल में यूज करेंगे तो कहेंगे देर इज सम वॉटर इन द ग्लास, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते इसलिए हम बोलेंगे यस देर इज सम वॉटर इन द ग्लास। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमने समझा कि सम जो वर्ड है वो दोनों में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है।
अब आई हमारी बात इस वर्ड की जो है थोड़ा, इसके लिए हम countable में यूज करते हैं a few, ठीक है। ये एक छोटा सा फ्रेज भी आप कह सकते हैं, a few ही लगाते हैं इसे। और uncountable में हम इसको कहते हैं a little, कहते हैं a little, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, I have a few apples, मेरे पास कुछ apples हैं। तो I have few apples नहीं बोलेंगे, a few बोलेंगे, I have a few apples, countable nouns में। और जब हम uncountable चीज की बात करेंगे तो हम कहेंगे yes, there is a little water in the glass, ग्लास में थोड़ा सा पानी है। अगर हम कह रहे हैं there is some water in the glass तो भी सही है, और हम कह रहे हैं there is a little water in the glass तब भी ये चीज सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ज्यादा और बहुत, ये भी ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हम दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यूज करते हैं। और जब हम काउंटेबल की बात करते हैं तो हम मैनी लगाते हैं, और जब अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो मच लगाते हैं। जब बहुत कहना होता है काउंटेबल चीजों के लिए, बहुत कहना होता है, ध्यान से सुनिए, जब हमें बहुत कहना होता है काउंटेबल चीजों के लिए तो कहते हैं अ लॉट ऑफ। और जब हमें बहुत कहना होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए तब भी हम कहते हैं अ लॉट ऑफ। तो जैसे हमने कहा था कि सम दोनों में यूज होता है, इसी तरह से अ लॉट ऑफ एक फ्रेज है, अ लॉट ऑफ ये भी हम यूज करते हैं दोनों ही नाउंस में, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में, अ लॉट ऑफ, ठीक है। ये हो गया सिमिलैरिटी। और ज्यादा के लिए काउंटेबल में मैनी, अनकाउंटेबल में मच। एग्जाम्पल देखेंगे, I have many pens in my box, मेरे बॉक्स में बहुत सारे पेन हैं। I have a lot of pens in my box, मेरे बॉक्स में बहुत सारे पेन हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं हम अनकाउंटेबल में, There is not much water, not much water in the jar, जार में ज्यादा पानी नहीं है। There is a lot of water in the jar, ठीक है, जार में बहुत सारा पानी है। आ गई बात समझ में आपको कि जब हम अनकाउंटेबल के बारे में बात करेंगे, ज्यादा के बारे में बात करेंगे अनकाउंटेबल चीज के लिए, तो कहेंगे देयर इज मच वाटर इन द जार, देयर इज नॉट मच वाटर इन द जार, या कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द जार। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही है, ठीक है। तो ये चीज समझ ली। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, वो भी हम समझ लेते हैं। इतनी पेशेंस से आपने वीडियो देखी है तो इसके लिए आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है और उसको समझा है। तो हम प्लीज दो मिनट और देंगे अपने वीडियो को ताकि ये जो लास्ट पॉइंट है वो भी मिस ना हो जाए। प्लीज सी दैट, पॉज कर दो। तो इसमें हम दो वर्ड यूज करते हैं, कम और ज्यादा, ठीक है। वही चीज हम काउंटेबल में यूज करते हैं ये दो वर्ड, और वही अनकाउंटेबल में यूज करते हैं कम और ज्यादा। तो ज्यादा के लिए हम दोनों में यूज करते हैं वर्ड मोर, चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों में हम वर्ड यूज करते हैं मोर। फॉर मोर, ज्यादा चीज के लिए, कोई ज्यादा क्वांटिटी बतानी हो, ज्यादा नंबर बताना हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं मोर दोनों में, ठीक है। और जो दूसरा चीज है कंपैरिजन का, वो हमें देखना है कि कम। तो कम में हम यूज करते हैं फ्यूअर, ठीक है। ये वर्ड हम यहाँ फ्यूअर जो मैंने लिखा है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है इस वर्ड की, अ फ्यू। आप जाकर पीछे देख सकते हैं, हमने पॉइंट नंबर 3 में यूज बताया था अ फ्यू का, ठीक है। अ फ्यू का यूज हमने किया था, तो उसी का कंपैरिजन में अब मैंने बताया है कि उसका कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो होती है फ्यूअर। उसके लिए हम जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो है, माया हैज फ्यूअर टॉयज देन जैक, यानी कि जब हम दो लोगों के पास टॉयज का, नंबर ऑफ टॉयज का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दो लोग जैसे कि माया और जैक, ये दो लोग हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि माया के पास ज्यादा टॉयज हैं या जैक के पास, किसके पास कम टॉयज है, कम की बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे माया हैज फ्यूअर टॉयज देन जैक। आई हैव मोर टॉयज देन जैक, ये मोर का है,
सेंटेंस और ये एग्जाम्पल है फ्यूअर का. माया हैज फ्यूअर टॉयज देन जैक. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया. अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स पे और इसमें हम देखते हैं लेस के लिए कि लेस जो है वो अ लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है. लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है लेस. उसके लिए सेंटेंस है यू शुड ईट लेस जंक फूड. तुम्हें कम जंक फूड खाना चाहिए. ठीक है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेस खाना चाहिए, कम खाना चाहिए. वी मस्ट टॉक लेस इन क्लास. हमें क्लास में कम बोलना चाहिए. ठीक है, हमें इन चीजों को बहुत ही संभाल के यूज करना है. ये ना हो कि हम काउंटेबल में मच लगा रहे हैं और अनकाउंटेबल में मैनी लगा रहे हैं, या कहाँ पर फ्यू लगाना है, कहाँ लेस लगाना है. इन सब चीजों को बहुत बारीकी से समझना है और फिर ही अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा क्योंकि आपने इतने पेशेंस के साथ देखा है. उसके लिए आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अगर आपने पिछले डेज की वीडियोज नहीं देखी है, डे 1, 2, 3 और 5 की वीडियोज नहीं देखी, तो मैं उसके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. उसमें आप जाकर और सारे वीडियोज चेकआउट कर सकते हैं और मैंने जो शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं कलेक्टिव नाउन्स के लिए वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. बहुत अच्छे शॉर्ट्स बनाए हैं और बहुत मजा आएगा आपको उन्हें देखने में. और थैंक यू फॉर वॉचिंग चैम्स कैम्प स्कूल. जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.